जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में हमने एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और एसपी सेंट्रल जो है उनसे। तो वो एक तो जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्रारंभिक आ गई है और पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और बहुत लोग आप लोगों में से इंडिविजुअल फ़ोन कर करके कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको आपके साथ बैठक करके हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लें, कोई मन में प्रश्न है तो उसको भी हम लोग स्पष्ट कर दें। तो जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पोस्टर बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी है, की गई है, और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई थी। और गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की, और उसके बाद वहाँ से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए, फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं, मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है, लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है, तो एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेशन को नहीं बढ़ने देते हैं, इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही, उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था, बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, तो फिर वहां जा करके फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाक बंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक आर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुंचे लोग, या कोई पहुंचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहां नाकेबंदी की गई थी और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे, और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए, कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, जिसमें कुछ जवानों के आँख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आँख में लगा है, तो मिर्च पाउडर भी फेंका गया। और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी, तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता। फिर उसके बाद विधानसभा भी चूँकि सत्र में है और काफ़ी भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती, हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया। और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया, और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ और उसके बाद कुछ लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जो जुलूस में प्रदर्शनकारी लोग थे वो लोग भी घायल हुए हैं। तो ये एक पहलू है। और
इसमें जो स्थिति थी यही है जिसको हम लोगों ने स्पष्ट किया है और डाक बंगला से आगे हम लोग किसी को नहीं अलाउ करते हैं, कभी नहीं करते हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे, ये बहुत क्लियर है। अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है, पहले से हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा एक इसमें मामला आया था एक व्यक्ति की मृत्यु की, तो उसी बीच में सूचना हम लोगों को मिली थी जब वहाँ सब चल रहा था अफरा तफरी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है PMCH में, तो हम लोगों ने तुरंत सब चीज़ों को लोकेट किया और कोशिश किया प्राप्त करने की कैसे हुआ है। तो उसमें जो हम लोगों को सूचना पहली सूचना मिली कि कोई चोट उनको नहीं है शरीर पर, खरोंच तक नहीं है, ये सूचना हम लोगों को मिली, तो ये हम लोगों को लगा कि लाठी चार्ज में वो घायल नहीं हुए होंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं चोट जरूर रहती, ये एक हम लोगों को सूचना मिली थी। दूसरा फिर इंक्वेस्ट उनका कराया गया, इंक्वेस्ट में भी आया कि कहीं से कोई खरोंच नहीं है, कपड़ा भी उनका इंटैक्ट है और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। फिर हम लोगों ने पता किया तो उनके साथ में जो एक थे चंद्रवंशी जी, उन्होंने बताया कि वो लोग अभी वहाँ पहुँच भी नहीं पाए थे, वो गांधी मैदान से जा रहे थे, पहुँच भी नहीं पाए थे, तब तक वहाँ पर अफरा तफरी हुई, पता चला कि लाठी चार्ज हो गया है, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो वो लोग फिर लौट गए और लौट गए उसी क्रम में वो बोल रहे हैं कि अचानक वो बेहोश होकर के गिर गए, साथ में ही थे, फिर उनको जो है कुछ लोग वहाँ पंप करके कोशिश भी किया, फिर तुरंत रिक्शा पर एक बैठा करके तारा हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल 5-6 मिनट की दूरी पर था, वहाँ लोग लेकर के गए और उसके बाद 112 पर भी लोगों ने बताया कि फ़ोन किया था, वो भी गाड़ी पहुँची थी, फिर वहाँ से हॉस्पिटल ने 5-7 मिनट के अंदर ही उनको एम्बुलेंस में करके रेफ़र कर दिया और भेज दिया PMCH में। PMCH में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसी भी कारण से हो, किसी की भी हो, वो बहुत दुखद है और हम लोगों की पूरी संवेदना जो है वो परिवार के साथ है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी तक जो जाँच में आया है उसमें है CCTV फुटेज हम लोगों को मिले हैं, उसमें कल हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि 1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और फिर 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है और 5-6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहां वो घटनास्थल है वहां से तारा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो कुल मिलाकर के 4-5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो JP गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4-5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है और वहाँ पर कोई बल की प्रतिनियुक्ति नहीं थी, किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं थी, तो ये बहुत स्पष्ट है कि लाठी चार्ज से नहीं हुआ है। ये हम लोग जो CCTV और उनका लोकेशन जो देख करके इसमें आश्वस्त हैं और उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं है किसी चोट का बाहरी, तो ये हम लोग आश्वस्त हैं कि लाठी चार्ज से नहीं हुआ है। लाठी चार्ज वाले स्थल पर वो पहुँचे ही नहीं थे अभी तक की जो हम लोगों की जाँच है और जो CCTV फुटेज वगैरह हम लोगों को उपलब्ध हैं। एक और CCTV फुटेज आज मिला है हम लोगों को जो 1:19 पर वो JP गोलंबर पर दिख रहे हैं और कल हम लोगों ने जो प्राइवेट वो निकाला था उसमें वो 1:22 पर दिखे थे और आगे थोड़ा बढ़ के छज्जू बाग में आज 1:19 पर वो JP गोलंबर के पास दिख रहे हैं। जो लाठी चार्ज की घटना हुई थी वो डाक बंगला चौराहा पर 12:55 के आसपास हुई थी और 2-5 मिनट तक अफरा तफरी रही। तो मोटा मोटी 1 बजे के आसपास डाक बंगला वाला जो पूरा घटनाक्रम है वो है और हम लोगों को ये पूरी स्वस्थ स्थिति में आराम से बात करते हुए चलते हुए दिख रहे हैं और छज्जू बाग की तरफ जा रहे हैं 1:19 से और 1:22 पर भी दिख रहे हैं और उसके बाद फिर 1:32 पर हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, रिक्शे पर लोग लिए हुए उनको पहुँच रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठी चार्ज से ऐसा नहीं हुआ है, कारण कुछ दूसरा है जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गए हैं जैसा बता रहे हैं, किस कारण से हुए हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने संपर्क किया था PMCH में, लेकिन अभी उन लोगों ने ओपिनियन रिजर्व किया है अपना और उनका ये कहना है कि
हम लोग फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जांच के लिए हम लोगों ने दिया है, हर्ट का एक जांच होती है उसके लिए उन्होंने दिया है पैथोलॉजी में, और 3 से 4 दिन लगता है उसमें रिपोर्ट आने में। तो उनका कहना है, पीएमसीएच के जो मेडिकल बोर्ड है उसका कहना है कि वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग कोई ओपिनियन इस पर दे सकते हैं। तो अभी तक की यही स्थिति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ फाइंडिंग भी है तो उस पर हम लोग कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि वो एक्सपर्ट का डोमेन है और डॉक्टर एक्सपर्ट जो हैं वही उस पर कमेंट कर सकते हैं। और पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें अपनाई गई। सबसे पहले तो हमने ये आदेश दिया कि पोस्टमार्टम जो होगा वो मेडिकल बोर्ड के माध्यम से होगा, मेडिकल बोर्ड करेगा। दूसरा हमने कहा कि उसकी वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाएगी और उसकी अन्य प्रकार की कोई फर्दर जांच है तो उसको भी वो लोग कराएं। ये हम लोग शुरू से ही सुनिश्चित किए और इसको हम लोगों ने करवाया है। जो इन्क्वेस्ट हुआ है वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लोगों की उपस्थिति में, और उसकी भी वीडियोग्राफी पूरी कराई गई है। कहीं भी कोई बाहरी चोट का निशान नहीं है। तो हम लोगों के स्तर पर अभी तक ये इतनी जानकारी उपलब्ध है। और इसमें उनकी मृत्यु लाठीचार्ज से नहीं हुई है, ये बहुत ही स्पष्ट है। बाकी कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ओपिनियन है वो आ जाएगा तो हम लोग आपको बताएंगे, और सीसीटीवी के माध्यम से और भी हम लोग जान